Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India. A huge round of applause for him, please. Swachh Namaskar. CUP Singh Ji, Secretary, Ministry of Jal Shakti, Srimati Ritu Maheshwari, CEO Noida, Sri Anil Sri Vastava, CEO, Greater Noida Authority, Mangu Singh, CMD Delhi Metro, and other dignitaries on the dais, dignitaries from the cities and from other government part India, and friends. Swachhata ke bare mein main lagbhag har jagah par bolta rehta hun. Hum kitne bhi smart banne ya hum kitne bhi aur development kar le, agar hame swachh pani aur swachh hawa, swachh mitti nahi milegi, to hum kisi bhi shahar mein nahi reh payenge. Us agar hum desh civilization ki start se dekhen, to civilization wahi panpi hai jahan pani swachh tha, hawa swachh thi aur mitti upjau thi. Agar kabhi Delhi ujli, to uska karan स्वच्छता या अस्वच्छता ही होगा और कोई कारण शायद ना हो पाए. इस बात के साथ हमारा मंत्रालय स्वच्छता के ऊपर बहुत काम कर रहा था. 2014 से हमने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पार्ट में चालू किया और बहुत खुशी की बात यह है कि आज पूरा देश के सारे शहर, केवल कुछ बंगाल के शहरों को छोड़कर, पश्चिम बंगाल के शहरों को छोड़कर ओपन फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं, ओपन डिफेकेशन फ्री. लगभग 4378 शहर हैं, 4320 ओपन डिफेकेशन फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं. लेकिन हमने समस्या को यहां तक नहीं छोड़ा. हमारा अगला पड़ाव था कि जितना डिफिकेशन होता है उसका सारा ट्रीटमेंट हो जाए, और इसीलिए हमने करीब ओडीएफ प्लस प्लस डिक्लेयर किया, जिसके कारण जिसमें सारा जो अपना फीकल मैटर है वो सारा का सारा ट्रीट हो जाए, सारा वेस्ट वाटर ट्रीट हो जाए बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू एनवायरनमेंट. एंड खुशी की बात ये है कि अगर लगभग 350 शहर इस समय ओडीएफ प्लस प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं, अगले 2 या 3 साल में लगभग सारे शहर ओडीएफ प्लस प्लस डिक्लेयर होने की योजना है. एक दूसरा इशू था जो सबको परेशान करता है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हमारे पास गाजीपुर जैसे लैंडफिल हैं, हमारे पास हर शहर में लैंडफिल करीब 3,500 लैंडफिल हैं, और इन सब का कारण केवल यह है कि हम पूरे देश में कूड़े को की जो नजरिया है वो रिसोर्स की जगह कूड़े की दृष्टि से देखते हैं. जैसे हम घर में एक कूड़ा इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, म्युनिसिपैलिटी भी वो सारे कूड़े को इकट्ठे करके एक दूसरे लैंडफिल में ले जाते हैं. हम कूड़े को ट्रीट नहीं करते. लेकिन इस दिशा में भी 2014 में देश के कूड़े का कुल 19% ट्रीटमेंट होता था, आज लगभग 60% ट्रीटमेंट होता है. 3-5 साल में हम 3 गुने से ज्यादा ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं. इरादा यह है कि अगले 3-4 साल में नया मिशन के साथ साथ लगभग सारा कूड़ा ट्रीटमेंट हो जाए.
जो हमने नए इनोवेटिव प्रयास किए उनमें सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण, सिटीज में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना लाना और उन्हें स्वच्छता के रैंक में रैंकिंग करना। आज अगर इंदौर नंबर वन है तो उसको जानने का तरीका केवल स्वच्छ सर्वेक्षण है। अगर मैसूर नंबर दो आता है तो उसको जानने का तरीका केवल स्वच्छ सर्वेक्षण है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण के कंपटीशन में जितने इनोवेशन हुए वो अद्वितीय हैं, अनपैरल्ड हैं और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण से हम सिटीज को किस लेवल पर ले आएंगे। दूसरा, हमने एक नया स्टार रेटिंग, क्योंकि सारे शहर नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने दूसरा प्रोटोकॉल जारी किया था स्वच्छता के रैंकिंग में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रैंकिंग में, कि सिटीज को स्टार देना, वन स्टार, थ्री स्टार, फाइव स्टार, सेवन स्टार। आज तक देश में चार ही शहर हैं जो फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं, वो हैं इंदौर, अंबिकापुर, मैसूर और नवी मुंबई। इनके यहाँ की स्वच्छता वास्तव में देखने लायक है, चाहे आप इंदौर चले जाएं, चाहे अंबिकापुर जाएं, चाहे नवी मुंबई भी चले जाएं। और भी हमने कई इनोवेटिव मेजर्स लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि सारी टॉयलेट्स को, जितनी पब्लिक टॉयलेट्स हो, वो गूगल मैप में डाल देना। जैसे आप गूगल पर कोई भी स्थान ढूंढते हैं, उसी प्रकार अगर आप पब्लिक टॉयलेट लिख दें तो इमीडिएटली आपको ये बताएगा गूगल कि टॉयलेट कितनी दूर पर पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल है और आप उसकी स्टार रेटिंग कर सकते हैं। नोएडा के संबंध में सीईओ नोएडा अथॉरिटी ने आपको सैनिटेशन में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो टॉयलेट की बात हो, चाहे वेस्ट कलेक्शन की बात हो, चाहे वेस्ट सेग्रीगेशन की बात हो और चाहे इनोवेटिव मेजर्स में बात हो। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय से नोएडा ने अद्वितीय काम किया है। सबसे बढ़िया काम जो किया है, जो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा, कि नोएडा ने अपना लीगेसी वेस्ट कंप्लीटली समाप्त कर दिया है। आज लीगेसी वेस्ट में नोएडा के पास अपना लीगेसी वेस्ट नहीं है। हाँ, जो नया जनरेट हो रहा है उसको कैसे खत्म करें, इसकी अभी समस्या बाकी रह गई है। नोएडा की अपनी बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। नोएडा एक यूनिक सिटी है। सबसे बड़ी बात नोएडा की है कि यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी है, ये रेजिडेंशियल भी है, ज़्यादातर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड और बड़े आदमी यहाँ पर रहते हैं, जो नई नई नए नए इश्यूज लेकर आते हैं। बहुत बड़ा कॉमर्शियल सिटी भी है, बहुत सारे होटल्स, इंस्टीट्यूशंस यहाँ डेवलप हैं, बहुत सारे एजुकेशन का भी हब हो रहा है, और उस तरह से ये एक यूनिक सिटी के रूप में उभरा है। जब ये यूनिक सिटी के रूप में उभरा है तो इसकी समस्याएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में भी यूनिक है। अभी तक कोई ऐसा शहर नहीं है आज तक भारतवर्ष में जो RWA को उसकी लीगल ड्यूटी करने के लिए सब्सिडी देता हो। इनफैक्ट आप लोग बहुत नोएडा अथॉरिटी वाले, नोएडा के जो रेजिडेंट्स हैं, RWA हैं, वो भागशाली हैं, वो इनको इतना बड़ा पैसा नोएडा अथॉरिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सब्सिडी के रूप में देती है। बाकी अगर किसी शहर में, अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो
उन्हें केवल पेनल्टी मिलती है अगर नहीं करेंगे, कोई किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती, भारत सरकार भी इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देती। कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी, नोएडा में लोगों की एस्पायरेशंस बहुत ज्यादा हैं और नोएडा अथॉरिटी उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है पूरे सबके सारे एस्पायरेशंस को। एक आता है टॉयलेट्स बनाई हैं, बहुत सुंदर टॉयलेट्स बनाई हैं, मैं एक नागरिक के नाते भी यहाँ आता हूँ और एक अधिकारी के रूप में भी, चाहे वो पिंक सिटी हो, पिंक टॉयलेट्स हों या बहुत सुंदर टॉयलेट्स बनाई हैं, लेकिन उसके सस्टेनेंस के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एक ऐसा कोई सिस्टम बना रहे कि लगातार वो मेंटेनेंस रहें और वो हमेशा शाम के 10 से 11 बजे तक खुली रहें, क्योंकि ये सिटी राउंड द क्लॉक काम करता है। ये सिटी साधारण सिटी नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अद्वितीय सिटी है, सिटी राउंड द क्लॉक काम करता है। तो कुछ टॉयलेट्स रात में बंद हो जाती हैं, अगर आप ऐसा कर सकें कि ये टॉयलेट्स रात में भी खुली रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा एक और सिटी इसकी प्रॉब्लम है टॉयलेट्स के मामले में, यहाँ के लोग, इस शहर के लोग तो ओपिनिफिकेशन करने नहीं जाते, लेकिन बाहर के से, क्योंकि ये एनसीआर रीजन में आता है, बाहर के लोग यहाँ ओपिनिफिकेशन करने आ जाते हैं और उससे नोएडा का नाम बदनाम होता है। अगर पॉसिबल हो, क्योंकि ओपिनिफिकेशन में चाहे आपके यहाँ पाया जाए तो वो ओपिनिफिकेशन नहीं माना जाएगा, हम वहां पर भी अगर कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवा दें और कम्युनिटी टॉयलेट्स पहले ना कम्युनिटी ना उस एरिया को साफ कराने पूरा का पूरा, ताकि कोई ओपिनिफिकेशन ना करे, और अगर ऐसी जगह हैं तो कम्युनिटी टॉयलेट बना दें और उनको मेंटेन करने का पक्का प्रबंध कर दें, तो शायद हम उन बाहर के आने वाले लोगों से भी ओपिनिफिकेशन से मुक्ति पा पाएंगे और हम और नोएडा का नाम ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। पब्लिक क्लीनिंग में नोएडा ने पिछले 4-5 महीनों में बहुत तेजी से काम किया है। इनफैक्ट जिस किसी से भी मैं बात करता हूं, मैं कब पहले आता था, कहूंगी मैं कौशाम्बी में रहता हूं तो सेक्टर 62-63 और बाकी जगहों पे इंस्टीट्यूशनल एरिया सी इंस्टीट्यूट में आया रहता था, जगह जगह चौराहे पर बहुत बड़े डंप जीबीपी रहते थे, आज मुझे एक भी नहीं मिलता, एक नहीं मिलता, बहुत बड़ी बात थी, बहुत दूर हुए। लेकिन अभी भी सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स हैं, अगर हमें नोएडा को और नंबर बनाना है तो इन सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स को भी खत्म करना होगा। मैं केवल ये बताता हूं कि जो सिटी नंबर 1 हुए हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स को भी खत्म करने के लिए के बाद ही हुए हैं। आप मोबाइल बिन्स लगाएं रादर देन सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स, क्योंकि ये भी एक गंदगी का कारण बन जाते हैं। दूसरा, हमने डस्टबिन लगाए हैं जिसे हम लिटर बिन्स कहते हैं जगह जगह पर, लिटर बिन्स भी कई बार जीबीपी का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कूड़ा बाहर के सारे लोग डाल देते हैं जो कि उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स में ले जाना चाहिए था। कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि अगर किसी भी ठेले वाला और या वहां के घर वाला कोई भी आदमी इन लिटर, ये लिटर बिन्स पब्लिक के लिए हैं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं, इन पर बाकी लोग, केवल पब्लिक अपना जो नॉर्मल कूड़ा अपने जेब से खाया और वो डाल दिया वो ही डाले, बाकी लोग डालें तो उन पर पेनल्टी होनी चाहिए, ताकि ये जीबीपी का रूप धारण ना कर सकें और ये लिटर बिन्स की सफाई प्रॉपर रूप से हो सके, इसका कोई प्रबंध अगर आप कर सकें। तीसरा था
सॉलिड वेस्ट का जो पब्लिक क्लीनिंग के आपने नाइट क्लीनिंग नाइट स्वीपिंग क्लीनिंग आप कर रहे हैं, बहुत नोएडा बहुत सुंदर रूप में डेवलप हुआ है पिछले 4-6 महीनों में मैंने देखा था। सॉलिड वेस्ट में सबसे इश्यू आता है कलेक्शन का, कलेक्शन आपने बहुत तेजी से स्टार्ट किया है, ज्यादातर घरों में डस्टबिन बांट दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर घरों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सेग्रीगेटेड होके नहीं आ पा रहा है। दो या तीन आपसे सजेशंस हैं कि क्या हम, आप कर ही रहे हैं वैसे तो, होम कंपोस्टिंग को और बढ़ावा दे दें, किसी तरह का अगर आप त्रिचुरापल्ली का मॉडल मॉडल देख लें, किस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के सब लोगों को एनेबल किया है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप कंपोस्टर बांटें, लेकिन कंपोस्टर अवेलेबल हो एक जगह पर, इस बात का एडवर्टाइजमेंट जरूर होना चाहिए। कंपोस्टिंग करने में क्या तकलीफें होती हैं वो कैसे दूर हो जाएं, इस तरह का कोई ग्रुप हो, जो कंपोस्टिंग करे उसको कैसे इंसेंटिवाइजेशन कर सकें, इस तरह की कोई व्यवस्था हो तो अच्छा रहे। इसी प्रकार बल्क वेस्ट जनरेशन की बात की गई थी, बल्क वेस्ट जनरेशन में आपके यहां अगर मॉनिटरिंग पूरी तरह से हो जाए कि कौन आदमी सेग्रीगेशन दे रहा है कौन आदमी नहीं दे रहा है तो बहुत अच्छा हो। उसमें हमने स्वच्छ नगर ऐप बनाया है, बहुत से सिटीज ने इसे अप्लाई किया है, अडॉप्ट किया है, जिससे हर घर जो गलत अलग करके नहीं देता, कितना कूड़ा देता है, इस सब की मॉनिटरिंग हो सके। एक और बात लास्ट में कहूंगा, यूजर चार्जेज, कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम कहीं पर भी दुनिया के किसी देश में फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो सकता अगर उस व्यक्ति से जो कि कूड़ा पैदा कर रहा है उससे चार्जेस ना लिए जाए। आप इसलिए हम आपसे सबसे कहते हैं कि आप डिफरेंशियल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल चार्जेस लें। अफोर्डेबल का मतलब गरीब से 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए ले, जो फ्लैट वाला है 100-150 रुपए ले, और जो बाकी लोग हैं 5 किलो से ज्यादा कोई भी जनरेट करता है वो सबको कॉमर्शियल मानते हुए आप उस पर वो चार्ज लगाएं जितना आपको पूरा कलेक्शन सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग करने में लगता है। किसी की व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कूड़ा जनरेट करे और कूड़े के जनरेट या प्रोसेसिंग का पैसा ना दे। एक सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात है सिटीजन का पार्टिसिपेशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में एक बात कही थी और मैं बार बार रिपीट, हर मीटिंग में रिपीट करता हूं, यहां पे भी रिपीट करूंगा कि 1000 गांधी आ जाएं तो देश साफ नहीं हो सकता, 1,00,000 नरेंद्र मोदी आ जाएं तो देश साफ नहीं हो सकता, और 130 करोड़ लोग जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन सेफ हो जाएगा। मैं यही बात नोएडा के लोगों पर भी लागू करता हूं कि नोएडा के सब लोग जब तक नहीं चाहेंगे नोएडा साफ नहीं हो सकता। इसलिए हर लेवल पर हर स्टेक होल्डर को इस सफाई के आंदोलन में शामिल करना है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे RWAs हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे CSR हो। नवी मुंबई में जिस तरह से, या त्रिचुरापल्ली में, या इंदौर में, या भोपाल में जिस तरह लोगों को शामिल किया गया है वो देखने लायक है। हर जगह पर इंडस्ट्री के लीडर्स का, प्रोफेशन के लीडर्स का चौराहों पे कटआउट लगा के उन्हें मजबूर किया गया है
कि वो पूरी तरह से अपनी अपनी एसोसिएशन में इंडस्ट्री में कूड़े को मैनेज करे। एक यहां पर जरूरी बात है सफाई कर्मचारी, और जब हम सफाई कर्मचारी की बात करता हूं तो मैं केवल नोएडा के अथॉरिटी के कर्मचारी की बात नहीं कर रहा, मैं उस वेस्ट पिकर की भी बात कर रहा हूं जो घर से कूड़ा उठा रहा है, मैं उस रैग पिकर की भी बात कर रहा हूं जो कूड़ा बीन रहा है, मैं उस सैनिटेशन कर्मचारी की भी बात कर रहा हूं जो टॉयलेट को साफ कर रहा है। अभी पिछले दिनों में ऑनरेबल पीएम जो भी काम करते हैं उसको खुद करके दिखाते हैं और उसका लीडिंग करते हैं। पिछले दिनों वो मथुरा गए तो उन्होंने रैग पिकर के साथ बैठ के कूड़े को बीना था, हर एक कूड़े को अलग किया था। मैं नोएडा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कंसीडर कर सके कि इन सारे रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स, सैनिटेशन एम्प्लॉयज को हम किसी तरह इंटीग्रेट कर सके, मैं एम्प्लॉयज बनाने की बात नहीं कर रहा, उनको हम सारे जो सरकारी बेनिफिट्स हैं जैसे उन्हें एक आई कार्ड दे सकें, उन्हें आयुष्मान का कार्ड दिलवा सकें, उन्हें और ऐसे सरकारी पेंशन योजना से उन्हें लिंक कर सकें ताकि उन्हें ये लगे कि वो भी स्वच्छ भारत मिशन में फायदा हो रहा है, ये एक बड़ा चेंज लाएगा। और हम सफाई कर्मचारी जिस कूड़े को हम टच नहीं कर पाते वो सुबह 6 बजे साफ करता है। बड़ी तकलीफ होती है जब आप अगर देखें कि वो आप और हम लोग सारे जो कहने चाहिए नैपकिन्स और सब उस कूड़े में डालते हैं, उसको वो टच करके निकालता है। अगर आप उस समय उसको देखें, कभी परसों की बात है जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो चूंकि वो मुझे जानते हैं, सर ये देखिए सारे यानी बच्चों की यानी ये उन्होंने डाल रखी है, और वो सबको एक एक करके डस्टबिन से निकाल रहा था। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और इन सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो वेस्ट पिकर्स हों किसी तरह से हों, हमें जोड़ना है। इंपैक्ट स्वच्छता के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केवल छोटी सी बात बता रहा हूं कि करीब इंदौर में मेडिकल के खर्चे 55% खत्म हो गए, वहां का हवा का जो एयर पॉल्यूशन है वो 250 से करीब अभी समय 100 के आसपास पीएम पे है। अगर इंदौर में वहां इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हर आदमी इंदौर की तरफ तेजी से हो रहा है, इंडस्ट्री भी तभी पनपेगी जब स्वच्छता होगी। तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने जो भी एफ्लुएंट्स हों वो ट्रीट करके ही आगे दें, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। लास्ट में स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा ने जिस तरह से भाग ले रहा है और जिस तरह से सबको रास्ता दिखा रहा है, मैं आपको मैडम वास्तव में धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि कल ऑनरेबल पीएम ने रामलीला ग्राउंड से कहा, मैं मांगू कुछ मांगू दोगे, तो मैं भी आप लोगों से कहता हूं ऑनरेबल पीएम की तरह से कि नोएडा से के लिए मैं एक चीज मांगता हूं, नोएडा को साफ करना। उन्होंने दिल्ली को साफ करने की बात कही थी, और जब दिल्ली को साफ करने की बात वो उन्होंने कही थी तो पूरे एनसीआर दिल्ली को साफ करने की बात कही थी कि अगले साल 2020 में जब हम नई डिकेड चालू हो रही है, क्या हम पूरे एनसीआर को वास्तव में स्वच्छ नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है नोएडा इस मामले में पूरे न केवल एनसीआर को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाएगा। इसके साथ ही आपको दुआ, सुनमस्कार।